राम जन्मोत्सव के पावन पर्व पर समस्त श्रद्धालुओं के लिए नागपुर के सुप्रसिद्ध सराफा संस्थान रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से इस दर्शनीय झांकी को प्रस्तुत किया गया। परम कृपालु ममतामयी शक्ति स्वरूपा कोल्हापुर की मां श्री अंबाबाई महालक्ष्मी की पूजा उपासना व्यक्ति के जीवन में शांति, शक्ति, धैर्य और उमंग का संचार करती है। मां के दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। माना जाता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। मानव जीवन के कई सौभाग्यपूर्ण क्षण में माँ श्री अंबाबाई महालक्ष्मी के दर्शन एक है। प्रचलित मान्यताओं और इतिहास में दर्ज तथ्यों के अनुसार कोल्हापुर स्थित माँ महालक्ष्मी की प्रतिमा 7000 वर्ष पुरानी है और मंदिर का निर्माण राजा कर्ण द्वारा किया गया है। माँ अम्बा देवी महालक्ष्मी को गर्ववीर निवासिनी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। माता के शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण पीठ यही माना जाता है। अन्य शक्तिपीठों की तुलना में इस शक्तिपीठ का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। दीपावली के दिन आज भी तिरुपति देवस्थान से आया शालु श्री अंबाबाई महालक्ष्मी को पहनाया जाता है। तिरुपति तीर्थयात्रा की पूर्णता श्री अंबाबाई महालक्ष्मी कोल्हापुर के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। इस सृष्टि में श्री अंबाबाई महालक्ष्मी ही वो शक्ति है जिसकी कृपा से मोक्ष और धन दोनों प्राप्त होते हैं। देवी महालक्ष्मी धन, वैभव और संपदा की देवी है। वो सारे संसार में आनंद देती है, इसलिए विश्वानंद कहलाती है। नमस्कार। रामनवमी के इस पावन अवसर पर सभी शहरवासियों का हम रोकड़े ज्वेलर्स की तरफ से स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा में और महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध रामनवमी का झांकी जो कि नागपुर की एक विशेष पहचान है, इस वर्ष भी इसका सफलतम आयोजन प्रोतारेश्वर राम मंदिर के द्वारा किया गया है। और हर वर्ष की भांति रोकड़े ज्वेलर्स इस बार भी अपनी अद्भुत और विशालतम झांकी के साथ यहां सहभागी हुआ है। हमारी पूरी टीम और झांकी सज्ज है अपनी इस शोभा यात्रा के लिए। और इस शोभा यात्रा में झांकी का विषय है कोल्हापुर की अंबा देवी महालक्ष्मी और साथ ही नागपुर कोराड़ी की सुप्रसिद्ध माँ जगदम्बा। इनका एक संगम यहाँ पे दिखाया गया है और साथ ही बहुत ही खूबसूरत एक गाथा का वर्णन यहाँ किया गया है कि क्या विशेषता है, क्या दर्शन के लाभ है। और माता जगदम्बा की कोल्हापुर की गाथा और माता कोराड़ी निवासी जगदम्बा की गाथा यहाँ पर विस्तृत रूप से दिखाई गई है। इस सुंदर और विशालतम और बहुत ही खास झांकी का आयोजन यहाँ पे किया गया है और रोकड़े ज्वेलर्स की तरफ से हम पुनः सभी नागपुर वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हैं। और इस सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन में सभी शहरवासियों ने अपना बखूबी सहयोग दिया हुआ है और हम चाहेंगे कि यह झांकी जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध है पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ और पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस झांकी के साथ साथ जो सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व हम निभाते हैं, तो सभी शहरवासियों से निवेदन है कि वे अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए इस झांकी में सुरक्षा और शांति बनाए रखें और हमारे सभी को सहयोग करें। एनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।